प्रदेश सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर प्रभारी अविनाश पांडे ने मुख्यमंत्री गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित मंत्रिपरिषद और प्रदेश की जनता का आभार प्रकट किया। इस दौरान पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस सरकार बेहतर कार्य कर रही है और साथ ही एक साल के कार्यकाल में जनता की उम्मीदों पर सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। इस दौरान उन्होंने निरोगी राजस्थान योजना के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि आगे भी चार साल के कार्यकाल में राजस्थान में कांग्रेस सरकार बेहतर प्रदर्शन करेगी और जनता से किए वादों को पूरा करेगी। राजस्थान सरकार के एक वर्ष होने पर मैं राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट जी एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का एवं कांग्रेसजनों का और राजस्थान की जनता का हृदय से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि राजस्थान के इस एक साल कांग्रेस सरकार का जो एक साल है वो निश्चित रूप से बेमिसाल रहा है। इन एक साल में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार के साथ जो अपेक्षा की थी उन अपेक्षाओं पर निश्चित रूप से हम खरे उतरे हैं। स्वाभाविक है कि और बहुत से कार्य करने हैं। मैं निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है कि जिस गति से और जिस विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सभी सहयोगियों और प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के जनवासियों की जो सेवा कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से हम और कामयाब होंगे। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक विशेष योजना है निरोगी राजस्थान की, जो उनका एक सपना भी है और माननीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी जो खाद्य सुरक्षा से लेकर और हमारे गरीब युवा जो हमारे बेरोजगार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की संधियां उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाएं जो आज राज्य में दी हैं वो निश्चित ही प्रशंसनीय हैं। निरोगी राजस्थान के माध्यम से आज पूरा देश राजस्थान की ओर बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ देख रहा है और अन्य राज्य भी इस योजनाओं को दोहराने के लिए अपने अपने राज्यों में सफल बनाने के लिए इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं तारीफ करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के उस विजन को जिसके माध्यम से स्वास्थ्य, जो कि हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, अगर हमारे जनता स्वस्थ होगी तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ राज्य होगा और उसके लिए किए जा रहे प्रयत्न, चाहे वो हमारे और भी हर जिले में एक सपना है कि वहां पर मेडिकल कॉलेज खुलें, 10 से 15 मेडिकल कॉलेजों का की मान्यता राज्य सरकार पा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि इन मेडिकल कॉलेजों को भी बहुत जल्दी इसकी शुरुआत की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों और चिकित्सकों के माध्यम से जनता के स्वास्थ्य का और ज्यादा ध्यान हम रख सकेंगे।